अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एआरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल मुझे विदा कर जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। दोस्तों इस ड्रामे में आगे आप देखने वाले हैं कि इधर सादिया जो कि सफीर को अपना फैसला सुना देती है और कहती है कि मैं अनीक से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं मजीद अनीक की जिंदगी में मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहती, इसीलिए बेहतर यही है। और इधर दूसरी तरफ मासूमा जो कि अनीक के घर आती है, उसकी अम्मी की बहुत ही ज्यादा खिदमत करती है ताकि वो उसे अच्छा समझे और उसे अनीक की जिंदगी में शामिल कर सके। इसी वजह से मासूमा ये सब कुछ कर रही होती है और यहाँ तक कि वो अनीक को भी बता देती है कि सादिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती और तुमसे शादी भी नहीं करेगी, जिस पर अनीक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और उसे भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार मासूमा ये सब कुछ क्यों कह रही है और इसमें इसका क्या फायदा होगा। मजीद दोस्तों इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उस्मान का रवैया रिदा के साथ बहुत ही अच्छा हो जाता है, लेकिन यही अच्छा रवैया काशफा से बर्दाश्त नहीं होता और वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि इस घर में रिदा को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों मिल रही है। और काशफा ने तो ये भी सोच लिया होता है कि वो दोबारा से अजहर और उसकी बीवी को इस घर में लेकर आएगी ताकि वो इस घर के सारे काम करे। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि क्या अजहर काशफा की बातों को मानकर दोबारा से घर में वापस आ जाएगा या फिर नहीं? और इधर अनीक सादिया को किस तरह से समझाएगा? दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हमें यह भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।